नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामनवमी के झंडों पर दिख रही है महंगाई की मार, बाजारों में बिखरा सन्नाटा। झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने मनाया शहीद मंगल पांडे का शहादत दिवस। और गर्मियों में शहरवासियों का पहला पसंद बना तरबूज। और अब खबरें विस्तार से। इस भ्रष्टाचार व महंगाई के कारण इस त्योहार अब कटौती भरा होता जा रहा है, जिसे श्रद्धालुओं को तो अपना मन मार कर पूजा अर्चना करनी पड़ रही है। वहीं दुकानदारों में भी पूजा की सामग्री बेचने में उतने उत्साह नहीं दिख रही है। साक्षी झंडा चौक के सामने महावीर झंडा बेच रहे दुकानदार सरवन ने बताया है कि इस बार महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अब पहले जैसे खुशी मन से झंडा नहीं खरीद रहे हैं। जो झंडा पिछले साल 100 रुपए में बिक रहा था, वह इस वर्ष 200 से 250 रुपए में बिक रहा है। इसलिए श्रद्धालु बड़ा की जगह छोटा झंडा में ही काम चला ले रहे हैं। वैसे ये महंगाई सभी जाति व धर्म को ताक पर रखकर अपना तांडव से लोगों को खौफ की जिंदगी जीने में मजबूर कर दिया है। बिक्री कैसे चल रहा है अभी झंडा का? ठीक है, चला कैमरा देखिए ना, कैमरा तब देखो। हाँ ठीक है, बिक्री। लोगों का भीड़ भाड़ कैसा है इस बार? इतना खास नहीं है। क्या लग रहा है, महंगाई इस बार बढ़ा है क्या? महंगाई के वैसे बिक्री बटा नहीं होता है, बिक्री बटा हो नहीं रहा। पहले का दाम और अभी का दाम में अंतर कितना कितना का अंतर हो गया? 100-200 का अंतर हो गया। जो झंडा लोग बेचते थे 100 रुपया में, अभी 150-200-250 बिक रहा झंडा। चल रहे नहीं होता, कोई खास नहीं बिक्री। पहले जो बिक्री था वो बिक्री नहीं है। मतलब जो बड़ा झंडा लिया करते थे वो छोटा झंडा में काम चला रहा है? हाँ, छोटे झंडा में काम चला रहा है। पहले लेते थे बड़ा बड़ा झंडा, अभी पूरा नहीं छोटा दे तो भैया ले रहा है। और उधर वीर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के शहादत दिवस के पूर्व संध्या पर झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने मानगो गोल चक्कर पर उनकी याद में शहादत दिवस मनाया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे उपस्थित रहे। इस दौरान झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे ने बताया है कि जिस सूरवीर मंगल पांडे ने देश की आजादी में अपनी शहादत दी थी, आज वो जमशेदपुर जैसा लौह नगरी में पहचान के लिए मोहताज हैं। उन्होंने बताया कि संघ ने कई बार जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि मानगो गोल चक्कर पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए, परंतु जिला प्रशासन ने आज तक उनकी मांगों को लंबित कर रखा है। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण संघ के लिए मंगल पांडे प्रेरणा का स्रोत है और संघ उनकी मूर्ति स्थापित करवा कर ही दम लेगी। पांडे की कल पुण्यतिथि है, कल शहादत दिवस है, कल ही के दिन उनको फांसी की सजा हुई थी, उसके पूर्व संध्या पर आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखा है। इसके माध्यम से हम लोग प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो दो लंबित मांगे हैं, जो 8 सालों से समाज ये मांग करता आ रहा है कि इस मांगो बस स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखा जाए और उनकी प्रतिमा मांगो बस स्टैंड पर लगाई जाए। शहीद किसी भी धर्म और किसी भी जात और मजहब का नहीं होता है। शहीद ने इस देश के लिए अपनी शहीदी दी और आज आजादी जो हम लोग को मिली है उन शहीदों का ही देन है। तो आज हमको पता नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रशासन हमारी मांगों को लंबित क्यों कर रही है। हमको उम्मीद है कि कल उनका शहादत दिवस है, कल उनके शहादत दिवस के अवसर पर हमारी ये दो मांगे सरकार जरूर पूरी कर दे। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ श्रद्धांजलि देने। गर्मी में शरीर को ठंडा रखने वाले फल तरबूज का इन दिनों बाजारों में भरमार नजर आ रहा है और इस फल पर महंगाई का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। शहर के तापमान इन दिनों सर चढ़कर बोल रहा है और शहरवासी तपती धूप में परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में लू से बचने तथा शरीर को ठंडा रखने वाले फल तरबूजों की बिक्री बाजारों में खूब हो रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस फल पर महंगाई का भी कोई असर नहीं दिख रहा है और शहरवासी तथा राजनीतिक लोग इसे खूब पसंद करते दिख रहे हैं। आ रहे हैं, तरबूज का मजा ले रहे हैं। अब पैसा जायज पैसा जो है वाजिब पैसा है, 10 रुपया किलो बेच रहे हैं, कोई महंगाई का मार नहीं है, इस पर आराम से ले रहे हैं लोग। बहुत अच्छा फल है, गर्मी में जो है ना सबसे अच्छा फल है, इससे शरीर को जो है ना पानी मिलता है, सब लोग खा रहे हैं 10 रुपया किलो आराम से, महंगाई का कोई इस पर जो है ना मार नहीं है। उन लोग भी तरबूज ले लेकर जा रहे हैं, किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो ले लेकर खा रहे हैं सब, धूप में जा जा के अरे सब आ रहे, सब पार्टी के लोग आ रहे हैं, तरबूज लेके जा रहे हैं, 5 किलो 10 किलो भी लेके जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है डेली खा रहे हैं। कार्यकर्ता लोग भी आ रहे हैं? जी जी जी, सब कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब पार्टी के आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तरबूज लेके जा रहे हैं 5 किलो।
और उधर लोकसभा चुनाव जीतने के जितने जितने करीब आ रहा है उतने ही प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार में जुट गए हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने सगे संबंधी तथा अपने दोस्तों का भी सहारा लेते दिख रहे हैं। झाइमो के प्रत्याशी अपने अपने प्रचार के लिए अपने दिल्ली के साथियों से सहयोग लेते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से जमशेदपुर पहुंचे डॉक्टर अजय कुमार की दोस्त डॉक्टर रेणु दास ने विभिन्न क्षेत्रों में डॉक्टर अजय कुमार का प्रचार प्रसार किया। इस दौरान प्रचार कर रही डॉक्टर रेणु का कहना था कि डॉक्टर अजय कुमार के लिए लोगों के मन में बहुत इज्जत है और वो पूरी तरह से उन्हें समर्थन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमने शहरी क्षेत्रों के कई मंडलों में भ्रमण किया है और सभी वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी और लोगों का मानना है कि डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर में विकास किया है। वहीं इनसे नमो की लहर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जमशेदपुर की जनता समझदार है और वो जानते हैं कि किसने क्या कार्य किया है और किसे समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार के लिए बहुत सपोर्ट है, लोगों के मन में इज्जत फ्रेम है उनके लिए और पूरी कोशिश जो हमें आश्वासन लोगों से मिल रहा है कि उनको जिता कर रहेंगे। है लोगों की कुछ कुछ छोटी छोटी समस्या है वो भी हम सुन रहे हैं, लेकिन ये है कि डॉक्टर अजय कुमार के लिए बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है हर जगह। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में हम ग्रामीण में तो नहीं गए लेकिन शहरी क्षेत्र में गए हैं, टेल्को गए हैं, हर मार्केट में जा रहे हैं, सब तबके के लोग से मिल रहे हैं, अर्बन एरिया में जा रहे हैं। सो हर जो भी ग्रुप है चाहे अमीर हो गरीब हो जो भी जात पात का कोई नहीं, डॉक्टर साहब के लिए बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कितने समाज में अभी तक आप लोगों ने मुलाकात किया शहरी क्षेत्र में? हम लोग बहुत ज़्यादा घूमे हैं, 8 मंडल में गए हैं, काफ़ी एरिया मंडल्स का कवर किया है। वेदर सड़क के लोग हैं, मेरा मतलब है कि जो मजदूर भाई है, जो दुकानदार है, जो हाउस वाइफ्स हैं, महिलाएँ हैं, युवा पीढ़ी है, सब लोगों से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है सारी। मैडम देश भर में एक तरफ नमो का लहर है जी, क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब निकलेंगे? मुझे लगता है कि जमशेदपुर की जनता बहुत समझदार है और वो अपने लिए जो उनके लिए सबसे अच्छी चीज है वो करेंगे, जो उनके लिए फायदे के लिए वो उस चीज का ध्यान में रखेंगे। और उधर जुगसलाई के विधायक रामचंद्र सहित आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त दिखे। अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठे विधायक सहीज की खास बात यह रही कि वो अन्य लोगों की अपेक्षा दो कुर्सी पर बैठे नजर आए। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, एक तो वो कि छोटे कद के हैं और लोगों की बराबरी के लिए ऐसा करते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अन्य लोगों से स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए भी ऐसा करते हों। लेकिन इस बारे में पूछे गए सवाल को वो टाल गए और दो कुर्सियों पर बैठने का फैसला हो सकता है कि विधायक का अपना हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कई सवालों को जन्म देता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं और इस निर्वाचनी प्रक्रिया में जनता जो जनादेश देते हैं वो स्वीकार होता है, स्वीकार किया जाता है। रांची लोकसभा क्षेत्र आज के डेट में काफ़ी रोचक है और इसमें कई प्रत्याशी जनता के बीच में अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी हार और जीत की बात ये तो जनता तय करती है, जनता तय करेंगे। सभी लोग जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेरे को भी ये अवसर मिला है कि मुझे ईसागढ़ विधानसभा का प्रभारी का दायित्व सौंप चुका है पार्टी। मैं और मेरा पूरा टीम ईसागढ़ विधानसभा में जोर शोर के साथ हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं और वे ईसागढ़ विधानसभा से सुदेश जी को हम लोग लीड कराएंगे। और हर बार की अपेक्षा आईएमए भवन में सत्र 2014 से 2016 का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जमशेदपुर शाखा का चुनाव 60% मतदान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर आरपी ठाकुर अध्यक्ष, उनके साथ डॉक्टर मृत्युंजय पांचवी बार आईएमए जमशेदपुर शाखा के सचिव बने। साक्ची स्थित आईएमए भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जमशेदपुर शाखा का चुनाव सत्र 2014 से 2016 का रविवार को देर रात संपन्न हुआ। देर रात आए परिणाम में 110 वोट से जीत दर्ज कर डॉक्टर आरपी ठाकुर अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। वहीं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने पांचवी बार सचिव पद पर अपना कब्जा जमाया। यह चुनाव रविवार को शाम 3 बजे पर्यवेक्षक डॉक्टर आरएल अग्रवाल व डॉक्टर एसपी झा की देखरेख में हुआ। आईएमए के जमशेदपुर शाखा में 900 वोटर हैं, जिसमें 543 वोटरों ने अपना मतदान किया। यह मतदान पूर्व के प्रत्येक सत्र से अधिक रहा, जो रात 8 बजे संपन्न हुआ। ऐसे मतदान के बाद आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अखौरी ने विजयी डॉक्टरों को माला पहनाकर बधाई दी और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का आग्रह किया।
चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। रामनवमी के झंडों पर दिख रही है महंगाई की मार, बाजारों में बिखरा सन्नाटा। झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ ने मनाया शहीद मंगल पांडे का शहादत दिवस। और गर्मियों में शहरवासियों का पहला पसंद बना तरबूज। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।